नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता रहता हूँ बहुत सारी आपके, चाहे स्टडी वीज़ा के बारे में हो, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो, चाहे स्पाउस वीज़ा के बारे में हो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेनमार्क के ऊपर। डेनमार्क में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट हो रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। डेनमार्क में जिन बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है उन बच्चों के एडमिशन बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों ने डेनमार्क के लिए अप्लाई किया था सितंबर इनटेक के लिए, उन सभी बच्चों के एडमिशन धीरे धीरे रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न निकल के आ रहे हैं कि बच्चों की इंग्लिश नहीं आ रही है, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, या उनका SOP ठीक नहीं है, CV में कुछ गलत आ गया, या उनके पर्सन या मार्क्स में कुछ दिक्कत है, या सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहे हैं। ये तो एक बचकानी बातें हैं, क्योंकि जब पिछले बार जो बच्चों ने अप्लाई किया था कोई प्रोफाइल नहीं थी, कोई अच्छे बैंड्स नहीं थे, फिर भी उन लोगों का एडमिशन दिया गया। इस बार क्या हुआ, उन्होंने पूरा प्रोसेस ही बदल दिया, उन्होंने हर बच्चों के इंटरव्यू लेनी शुरू कर दी है। इंटरव्यू में यह बताया कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, इसलिए बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक बच्चा था उसके साथ बैंड थे, उसको भी एडमिशन रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इससे पता चलता है कि डेनमार्क की जो यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन देना ही नहीं चाहती, वो किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लाइक वो पंजाब को लाइक नहीं कर रहे, या हरियाणा को लाइक नहीं कर रहे, या UP या नॉर्थ इंडिया को लाइक नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, जो पिछले साल बच्चे गए थे, कोई ऐसी हरकत की होगी जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया वालों को एडमिशन नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रियाँ एडमिशन दे रही हैं, कनाडा जैसे, USA, ऑस्ट्रेलिया जैसी अच्छे अच्छे बच्चों को एडमिशन दे रही हैं, तो डेनमार्क क्यों रिजेक्ट कर रही है? तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। जैसे ऐसा कोई रीज़न या अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इसके साथ शेयर करूँगा। अगर आप अब करें क्या, जो उन बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट हुआ है, उन बच्चों को जो रिजेक्ट हुआ, प्रोफाइल आपके अगर अच्छी है, 6 बैंड या स्पाउस वीज़ा से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 2 कंट्री बता देता हूँ, फिनलैंड है, एक इस्टोनिया है। इस्टोनिया में अगर अप्लाई करते हैं तो कम बजट में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिनलैंड में अप्लाई करते हैं, फिनलैंड में एडमिशन लेना थोड़ा ईजी है, बट वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट है। अगर आप दोनों कंट्रियों के बारे में जानना चाहते हैं, मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप फिनलैंड के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत ही जल्द मैं इस्टोनिया के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला। अगर आप इस्टोनिया में स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। फिनलैंड में जो है कि थोड़ा बजट थोड़ा हाई रहता है, वहाँ पे जो साल की फ़ीस है 9 लाख से लेकर 11 लाख के बीच में फ़ीस आ जाए, डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट की कम फीस है। अगर आप टेक्निकल में जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं तो 11 लाख रुपये फ़ीस शुरू हो जाती है वहाँ पे। अगर जैसे ही कोई नया अपडेट आता है डेनमार्क के बारे में, या एडमिशन के बारे में, या यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता चलता है, तो उसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।